या 15 मिनिटांमध्ये जर 3 षटक कंप्लीट झाली नाही तर चौथ्या षटकामध्ये एक क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आत मध्ये घेतला जाईल। लक्षात घ्या, इथे आम्ही टाइमिंग लावलेला आहे। सामन्याला सुरुवात करावी, पहिली 3 षटक 15 मिनिटांमध्ये संपूर्ण गरजेचं आहे। आणि जर चेंडू पहिल्या दोन ओव्हर मध्ये हरवला किंवा फुटला, गहाळ झाला, तर आपण नवीन चेंडू देणार आहोत, परंतु दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर आपल्याला जुना चेंडू दिला जाईल। चलिए दोस्तों, हम मैच की तरफ चलते हैं, जहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम Z11 वहूर, हालांकि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए इन्हें दावत दी थी चांडवा टीम ने। बल्लेबाज समी और फहद। समी ने पहली गेंद पर अपना खाता खोला है और अपने साथी बल्लेबाज को फहद को यहां पे खेलने का मौका दिया है। पहला ओवर लेके आए हैं माज। माज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। रिस्ट्रिक्शन का ये ओवर है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, गली की दिशा में एक फील्डर, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर मिड ऑफ और एक शॉर्ट मिड विकेट 30 यार्ड सर्कल के अंदर। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद वहां से अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ कट हो रही है। इस मरतबा फ्रंट फुट पर आकर उसे कवर की दिशा में लॉफ करने की कोशिश की बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद। माज अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। लगातार दो गेंदों पर बल्लेबाजों को यहां पे प्रभावित किया है। माज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैक फुट पर जाकर स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को रूम दिया था, मगर तेज तर्रार गेंद उनके नाक के नीचे से निकल गई। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, मात्र एक रन बोर्ड पर लग चुका है। माज ने काफी हद तक यहाँ पे प्रभावित किया है। हाँ, ये देखिए, ये भी चलाकी, मंकड़ी लिंबू कुछ भी कहे, मगर इस तरह की चलाकी करने की कोशिश थी। बड़े बल्लेबाज की जब विकेट चाहिए तो आर अश्विन ने किस तरह से बटलर को आउट किया था, आप सभी को याद होगा। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद, परफेक्ट दो टांगों के बीच में यॉर्कर करने की कोशिश, काफी हद तक सफल रहे थे, मगर बल्लेबाज भी चौकन्ने थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा था। सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में उसे तब्दील किया था। लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों को एक रन लेने का यहां पे मौका। दो रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। माज ने सही मायनों में 30 यार्ड सर्कल में काफी प्रभावित किया है। फिर से एक बार यहाँ पे कैच टपकने का मौका, कैच छूटा, यहाँ पे मुकद्दर रूठा है। इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, हर एक कैच को आपको लपकना ही होगा। बल्लेबाज को जीवन दान देकर उनको जीवित करते हुए दूसरी मरतबा खेलने का जो आप मौका उनको मौका देते हो, वही एक रीजन हो सकता है, आपकी हार का कारण बन सकता है। आपको फील्डिंग पर काम करना होगा, फील्डिंग के बारे में सोचना होगा। हम अक्सर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बारे में सोचते रहते हैं। जी हाँ, इस मरतबा देखिए, थोड़ा सा अजीबोगरीब हरकत करने की कोशिश थी, स्विच हिट लगाने का प्रयास था, मगर परफेक्ट यहाँ पे यॉर्कर देखने को मिला। बल्लेबाज फिर से एक बार पूरी तरीके से चक गए, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। 30 गज का जब दायरा होता है तो 30 गज के दायरे में आसानी के साथ 12 से 15 रन आ ही जाते हैं।
क्योंकि सीमा रेखा के नजदीक मात्र दो खिलाड़ी होते हैं, बाकी सारे नौ खिलाड़ी जो 30 गज के दायरे के अंदर होते हैं, 30 गज का दायरा अगर तोड़ते हैं तो आपको 4 रन मिलेंगे और इसी वजह से पहला ओवर बहुत ही मौल्यवान और महत्वपूर्ण होता है। इस गेंदबाज की तारीफ जितनी करें उतनी कम होगी। माज ने यहाँ पे लाजवाब गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से निष्प्रभ कर दिया है, किसी भी तरह का बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ना ही खेलने का मौका उन्होंने दिया, इनफैक्ट यहाँ पे रनों को भी सुखा दिया है। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए, मगर अब यहाँ पे फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक डीप पॉइंट में हमें फील्डर नजर आ रहा है और उसी के साथ बिहाइंड द विकेट शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और एक शॉर्ट पॉइंट, उसी के साथ साथ एक डीप कवर, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है। इस बीच नए गेंदबाज फैसल अपना लीजिए पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब दोनों भी बल्लेबाजों को अब यहाँ पे अपने आप को समझाना होगा। जी हाँ, इस तरह से नहीं, बार बार और लगातार यहाँ पे चकमा दे सकते हैं, फ्लाइटेड गेंद थी, यहाँ पे रुक कर खेलना होगा, गेंद को अंतिम क्षणों तक देखना होगा, उसे भापना होगा। रीड फ्रॉम द रिस्ट कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में, अंतिम क्षणों तक अगर रिस्क को देखते रहोगे किस तरह से वो गेंद डिलीवर होती है, क्या ये फ्लाइटेड गेंद है, इसका पहले अंदाजा लिया। देखिए इस इसी की मैं बात कर रहा था, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर तैयार थे, अंतिम क्षणों तक समी के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, समी पहुंचे 8 रन पर। जी हां, फैसल की अगली गेंद इस मरतबा हवा में खड़ी हो चुकी है, डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात है और सूरज की किरणों की वजह से गेंद को साइड नहीं कर पा रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने उस कैच को बहुत ही शानदार, और इसके साथ ये पहला इस बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं, फहद पटेल स्ट्राइकिंग एंड पर, सामना करेंगे गेंदबाज फैसल का। आहा, फैसल के क्या कहने, फैसल गेंद को कट करने की क्षमता रखते हैं, इस कला को उन्होंने अवगत कर लिया है, उसके ऊपर महारत हासिल की है। गेंद को कभी ये टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ला रहे हैं तो कभी गेंद वही जगह से बाहर की तरफ भी निकल रही है और इसी वजह से बल्लेबाज विद्विता मनस्थिति में है, डबल माइंड में है कि गेंद कहां पे मुड़ेगी। जी हाँ, इसमें तब ओवर पिच गेंद, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात, सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए और इसी के साथ ये लगता हुआ दूसरा छटका। कुल मिला के पांच गेंदे हो चुकी है, पांच गेंदों में दो शिकार किए हैं गेंदबाज फैसल ने। समी और फहद आउट होने के बाद इस बीच नए बल्लेबाज जमान स्ट्राइकिंग एंड पर, जमान पहली गेंद पर जोरदार हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर थी,
अंपायर जी ने फिर से एक बार इशारा किया है वाइट का। वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 10 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पे संकट में, और संकट में आते ही यहां पे एक तकदीर का चौका, संजीवनी चौका। रनों की सख्त जरूरत थी और ये रन खर्च किए थे। फैसल ने इस ओवर में कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी की है, क्योंकि दो बल्लेबाजों को चलता किया है और 11 रन इस ओवर में उन्होंने खर्च किए हैं। कुल मिला के दो ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। 7 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। वजीर भाई मित्र मंडल की जानिब से बहुत ही खूबसूरत वातावरण में, बहुत ही शानदार क्लाइमेट में हम देख सकते हैं ये प्रतियोगिता, जिस प्रतियोगिता का हम आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। लगातार तीसरा ये दिन, 11 मिनट हो चुके हैं। देखिए, अगर ये ओवर 15 मिनट के अंदर खत्म नहीं हुआ तो आपका एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आएगा। मुझ तक ये मैसेज पहुंच चुका है, मैंने वो मैसेज आप तक फॉरवर्ड किया है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद। जाहिद एक्सपीरियंस गेंदबाज है, जाहिद के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। बहुत ही लंबे अरसे से वो हर मैदान पर खेल चुके हैं, हर मैदान पर अपने गेंदबाजी की कला को उन्होंने प्रदर्शित किया है और बहुत मर्तबा अपने टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका भी अंजाम दी है। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है। फिर से एक बार उस गेंद के नीचे फील्डर आते हुए एक आसान सा कैच, और ये लगता हुआ तीसरा छटका बल्लेबाजी करने वाली टीम को। फहद ईसाने ने काफी निराश किया है, तकरीबन 6 गेंदे उन्होंने फेस की और मात्र एक रन अपने टीम के लिए जोड़ा। समी एक छक्के के सहायता से 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, जबकि फहद बिना रन बनाकर गोल्डन डक के शिकार हुए हैं। जमान 4 रन बनाकर खेल रहे हैं और जमान का साथ निभाने के लिए अब मैदान पर नए बल्लेबाज इमरान, जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे। गेंदबाज जाहिद की जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी, क्योंकि अब तक 2 गेंदें उन्होंने डिलीवर की है, मगर 2 गेंदों में एक भी रन अब तक खर्च नहीं किया है। इनफैक्ट यहां पे एक बल्लेबाज को चलता किया है, एक शिकार यहां पे की है। जी हाँ, इसमें तब थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट किया था, डीप कवर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से फिर से एक बार बल्लेबाज इमरान को एक ही रन यहां पे मिलेगा। इमरान और जमान को अब साझेदारी यहां पे अंजाम देनी होगी। साझेदारी अगर यहां पे पनपती हुई दिखाई देगी तो ही यहां पे कुछ काम बनेगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, इसमें तब हवा में उछाल कर फिर से एक बार खेला है, मगर डीप मिड विकेट में फील्डर थे, ऐसा लग रहा था कि वो कैच हाथों में जाएगा, मगर उनके मस्तक पर दस्त। जी हाँ, मुसीबत में तो जरूर है, मगर इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश जमाम की। जी हाँ, ये लीजिए, जमाम ने काम कर दिया है तमाम, बैक टू बैक और एक छक्का उनके बल्ले। जमाम ने अब गेंदबाज जमान ने गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर ट्रांसफर किया है। एक गेंद अभी भी आना बाकी है सर,
मगर पहली तीन गेंदों में मात्र एक रन खर्च किया था। उसी गेंदबाज के छक्के छुड़ाए हैं फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में, मगर अब यहां पे पकड़े गए। लगातार तीसरा छक्का लगाने की कोशिश थी जमान की, आखिरकार अपना ताबिश सरफरे यांच्यासाठी अरसलान पल्लवकर यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारास 100 रुपयांचा इथे पारितोषिक आलेला आहे। धन्यवाद। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 27 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 9 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं जो कि काफी नहीं होगा। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज अदनान के इस ओवर में बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने की कोशिश करेंगे, मगर क्या अदनान यहां पे बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका देंगे? जी हां, पहली गेंद परफेक्ट ठिकाने पे। वाह अदनान, क्या कमाल की शुरुआत की है, लाजवाब। पहली गेंद इस तरह की ठिकाने पर गिरना, यानी आप समझ सकते हो कि गेंदबाज का आत्मविश्वास कितना ऊपर उठता है। गेंदबाज पूरी तरीके से अपने इस बीच नए बल्लेबाज या दरमियान सन्माननीय फैयाज भाई अधिकारी यांचे इथे आगमन झालेले आहे। मी वजीर भाई मित्र मंडळातर्फे त्यांचे हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ होण्याची विनंती करतोय। आणि वजीर भाई कोंडीवकर यांचे सुपुत्र सन्माननीय फहीम भाई यांना विनंती असेल, सर आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय पाहुण्यांचा सन्मान पुष्पगुच्छ देऊन करावा। अतिथी देव भव, पाहुण्यांचा सन्मान करणं, त्यांचं स्वागत करणं आपलं कर्तव्य। आणि आपल्या भारतीय संस्कृतीप्रमाणे आपल्या सर्व पाहुण्यांचं आपण स्वागत करतोय। मी पाहुण्यांचे हार्दिक आभार व्यक्त करतोय की त्यांनी आपला वेळ इथं खर्च केला आणि या व्यासपीठाची शोभा द्विगुणित केलेली आहे। आपण पाहतोय अगदी सकाळपासून सर्व पाहुण्यांची मांदियाळी इथे पाहायला मिळते, लगभग पाहायला मिळते। चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं, जहां पे अदनान, ओहो ताकत और टाइमिंग लाजवाब, यहां पे दोनों भी मिसाल देखने को मिली। गेंद पहुंच गई है फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर। अदनान के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, अदनान टू अदनान। कौन से अदनान अब यहां पे हावी होंगे, बल्लेबाज अदनान या गेंदबाज अदनान? हालांकि गेंदबाज अदनान ने पहले दो गेंदों में काफी प्रभावित किया था, मात्र एक रन खर्च किया था और एक सफलता अर्जित की थी, मगर तीसरी गेंद जो कि बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैकफील्ड पर जाकर बल्लेबाज अदनान ने जोर आजमाइश की और ताकत से प्रहार किया था और 6 रन बटोरे थे। 3 गेंदे हो चुकी है। जी हाँ, अदनान ऑन द फायर, वाह भाई वाह अदनान के, क्या मेहनत मशक्कत हो रही थी, मगर बल्लेबाजी करने वाली टीम बहुत ही पिछड़ती भी दिखाई दे रही थी। अदनान आए और अदनान ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर पूरी तरीके से गेंदबाजों के ऊपर हावी मैं हो सकता हूं। जी हां, ये लीजिए, वाह 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 अदनान ने कमाल कर दिया है।
अदनान ने वापसी करा दी है अपनी टीम की 46 रन ऑन स्कोर कार्ड। सम्मान पूर्वक स्कोर, फाइटिंग स्कोर अब खड़ा हो चुका है। अभी भी एक गेंद आना बाकी अंतिम ओवर प्रगति पर। अदनान टू अदनान, देखिए क्रिकेट कितना गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये लीजिए फिर से एक बार जोरदार प्रहार और डीप कवर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वहां पे चार रन मिलते मिलते रह गए, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और दो रन मुकम्मल कर लिए हैं। कुल मिला के जैसे वैसे 49 रनों तक पहुंचाया है अपनी टीम को अदनान ने, और जीतने के लिए 48 रनों तक पहुंचा दिया है और जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। 49 का आंकड़ा अफान आपको याद है, 49 दिनों की सरकार चलाई थी अरविंद केजरीवाल ने पहली मर्तबा दिल्ली में, वो है 49 का यह आंकड़ा। तो चलिए दोस्तों मैच फिर से एक बार जल्द से जल्द यहां पे शुरू होना बहुत ही जरूरी है। रईस शेख हैंडसम पर्सनालिटी, शाहरुख खान की तरह उनका लुक हमेशा मुझे नजर आता है। अरसलान पल्लवकर आणि त्याचप्रमाणे अब्रार काजी, सुफियान उकई, त्याचप्रमाणे सुफियान कुपे, आपण पाहतोय अनेक शहबाज कबले, हे ही सर्व मंडळी इथे खूप मेहनत करत आहेत। संपूर्ण स्पर्धा अगदी नीट नेटकी आणि व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी जी त्यांनी आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी घेतलेली आहे त्या जबाबदारीला खऱ्या अर्थाने ते न्याय देत आहेत। तर या सर्व मित्र मंडळीचे मी पुन्हा एकदा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, कारण क्रिकेट रसिकांसाठी आणि सर्व क्रिकेट खेळाडूंसाठी त्या संघासाठी आपण एक मोठी टूर्नामेंट आमच्या भेटीला घेऊन आलात, कारण क्रिकेट वरती आपलं प्रेम सर्वांचंच आहे। उठता बसता जागता झोपता आपण प्रत्येक वेळेस क्रिकेटची चर्चा करत असतो। आणि आपल्या सर्वांना एक आनंदाची गोष्ट असेल, खुश खबर असेल, ती म्हणजे सन्माननीय वजीरबाई मित्र मंडळ यांच्या वतीनं आपल्याला एक मोठी खुश खबर नक्कीच ऐकवली जाईल, सांगण्यात येईल। याच मैदानावरती एक नाईट टूर्नामेंट प्रकाश झोतामध्ये रजनी क्रिकेटची स्पर्धा आपण अनुभवणार आहोत आणि त्याची ऑफिशियल जी अनाउन्समेंट आहे ती मी उद्या करणार आहे व्यवस्थित त्याची माहिती घेऊन, परंतु माझ्यापर्यंत ती माहिती पोहोचलेली आहे। साधारण तुम्हाला एक मी त्याचा फील देतोय। वळूया मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे, माझ्या साथीला आज जोडलेले आहेत सौरभ भुरे मॅन फ्रॉम अलिबाग, ज्यांचा आवाज आपण यानंतर ऐकणार आहात। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। पहिल्या फेरीचा आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना, एका बाजूला आपण पाहतोय बॅटिंग करणारा संघ आपण पाहिला Z11 वहूर, निर्धारित 4 षटकांमध्ये पूर्वार्धाचा आपण खेळ पाहिला, 49 धावसंख्या उभारले, जिंकण्यासाठी 50 धावांचं येथे मात्र लक्ष समोर ठेवलंय। संघाची धावसंख्या अगदी कमी धावफलकावरती लागलेली असताना शेवटच्या षटकामध्ये अदनानने केलेली फटकेबाजी, 20 धावा 4 चेंडूंमध्ये त्याच्या बॅटमधून निघाल्या आणि त्याच 20 धावा खऱ्या अर्थानं एक चांगली धावसंख्या धावफलकावरती लावता आली आहे। एक सामन्यामध्ये रंगतता निर्माण होणारी धावसंख्या त्याने नक्कीच बनवली आहे। सामन्यामध्ये रंगतता आपल्याला पाहायला मिळणार का, शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना येणार का, ज्या अर्थाने आपण पाहतोय आजच्या दिवसाची सुरुवात अगदी जबरदस्त झाली होती। वजीरभाई मित्रमंडळ विरुद्ध एव्हरग्रीन टोल या दोन संघांमधले आजच्या दिवसातील पहिली लढत झाली होती। अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत सामना आपल्याला पाहायला मिळाला होता। अखेर वजीरभाई मित्रमंडळ या संघाने या 49 धावसंख्येचा पाठलाग केला होता, परंतु पाहूया यावेळेला 50 धावांचं लक्ष समोर ठेवलंय
चांडवे या संघासमोर 50 धावांचं लक्ष ठेवलंय. सलामीला आलेला फलंदाज जाहीद आणि त्याच्या जोडीला फलंदाज आहे फैसल. फैसल स्ट्राइक एंड वरती आहे तर नॉन स्ट्राइक एंड वरती आहे फलंदाज जाहीद. तर गोलंदाजीसाठी आलाय गोलंदाज फहद. फहदच्या हातामध्ये आता मात्र चेंडू सोपवलाय. एक चांगली लढत मित्रांनो नक्कीच पाहायला मिळेल. पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक. जाहीद नॉन स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहेत. 40+ आहेत. अगदी सुरेख क्रिकेटचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. परंतु पाहूया क्रिकेटमध्ये नेहमी अनुभव महत्वाचा असतो. कारण की पुन्हा एकदा सूचना देतोय 15 मिनिटांमध्ये 3 षटक जर पूर्ण केली नाहीत तर चौथ्या षटकासाठी एक खेळाडू पॉवर प्लेच्या आतमध्ये आपल्याला लावावं लागेल. चला वळूया सामन्याकडे. पंचांकडून इशारा आलाय. सामन्याला सुरुवात होते. उत्तरार्धाच्या खेळाला सुरुवात होते. गोलंदाज फहदच्या हातामध्ये चेंडू आहे. GTC लाईव्हच्या माध्यमातून ही लाईव्ह क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय. पाहूया यावेळेला 50 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज फैसल. फैसलने पहिल्या चेंडूवरती लावून द कार्पेट फटका खेळला जातोय. चेंडू लॉंगर मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. कार्पेटच्या आधारावरती खेळलेला हा फटका. पहिली धाव पहिल्या चेंडूवरती. येथे धावसंख्येचा येथे आले धावसंख्येचा अकाउंट येथे मात्र ओपन केलंय चांदवे या संघाच्या फैजल या फलंदाजाने. गांधारी मैदान सुरेख असं मैदान आपण पाहतोय. जाहीद आता मात्र स्ट्राइक एंड वरती आलाय. पाहूया जाहीदच्या बॅट मधून कशा प्रकारची धावसंख्या धावफलकावरती लागली जाते. पुढील चेंडू. यावेळचा चेंडू मात्र बीमर आलाय. फंसांकडून नो बॉल आणि प्लस षटकार. ओतुंग असा षटकार. फलंदाज जाहीद. माफ करा 49 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 48 धावा धावफलकावरती लागल्यात आणि या 49 धावसंख्येचा पाठलाग येथे मात्र जाहीदच्या बॅट मधून. गोलंदाजाने एक गोल्डन चान्स दिलाय. ह्याही चेंडूवरती फ्री हिट असणार आहे. फ्री हिट बॉल. पुन्हा एकदा नो बॉल. फ्री हिट बॉल वरती येथे मात्र उतुंग षटकार. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री क्लिअर केली आहे. षटकार. एकच चेंडूंचा खेळ झालाय. धावसंख्या लागले धावफलकावरती 15 धावा आणि गोलंदाजाला येथे मात्र गोलंदाजी करण्यापासून थांबवण्यात येते. कारण की त्याने या षटकामध्ये 2 बीमर चेंडू टाकलेले आहेत आणि एका चेंडूवरती गोलंदाजाने तब्बल 15 धावा या चेंडूवरती खर्च केल्यात. 49 धावसंख्येचा येथे पाठला करायचा आहे मित्रांनो. फलंदाज आपण पाहतोय जाहीद. जाहीद भाई यांच्या बॅट मधून 2 उतुंग असे षटकार येत आहेत. एक फाईन लेगच्या डोक्यावरून एक डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून 2 खणखणीत दणदणीत लाजवाब अफलातून सुंदर अतिसुंदर असे स्ट्रोक आलेत. यावेळेला आपण पाहतोय गोलंदाज फहदला इथे मात्र गोलंदाजीपासून थांबवण्यात आलंय. तर फहदची ओव्हर पूर्ण करण्यासाठी गोलंदाजीसाठी आलेत ताबिश. ताबिश हातामध्ये आता मात्र चेंडू सोपवलाय. Z11 वहूर या संघाला येथे मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागणार आहे. डॉट बॉल काढावे लागणार आहेत. विकेट्स काढावे लागणार आहेत. फ्री हिट बॉल होता. फ्री हिट बॉल वरती ऑन द राइज फलंदाज खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. डॉट बॉल येतोय. गुडलेनवरचा चेंडू. चांगली हाय यॅम ऍक्शन. गोलंदाज ताबिशी आपण पाहतोय. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक. गोलंदाज फहादने येथे मात्र निराश केलंय. त्याचीच ओव्हर येथे मात्र ताबिश गोलंदाजी करतोय. बॅकअप लेन चेंडू. बॅटची हलकीच एज येथे मात्र जरूर लागली आहे. शॉर्ट थर्डमॅन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. कोणती धाव मिळत नाहीये. बिहाइंड द विकेट आपण पाहतो. मैदान छोटं आहे आणि छोट्या मैदानाचा अनेक फलंदाजाने गेली 2 दिवस असेल आजच्या दिवसांमध्ये असेल चांगला फायदा येथे मात्र उचललाय. धावफलकावरती आपण पाहतोय 2 चेंडू सलग डॉट येत आहेत. चांगली गोलंदाजी येथे गोलंदाज ताबिशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. धावसंख्या 15 धावसंख्येवरती स्थिर आहे. 2 षटकार येथे मात्र जाहीदच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाले. पाहूया पुढील चेंडू.
उलट्या हाताने स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, रन आउटचा खतरा येथे मात्र समोर आहे आणि तो खतरा येथे मात्र गोलंदाजाच्या हातातून येथे मात्र निसटलाय, खतरा येथे मात्र नक्कीच टळलाय, कारण क्रिकेट मध्ये अशा गोष्टी बऱ्याच वेळा घडत असतात। आपण पाहिलं तर पहिल्या एका चेंडूवरती 15 धावा आल्या होत्या, त्यानंतर गोलंदाज ताबीश गोलंदाजीसाठी आला आणि ताबीश ने इथे मात्र आपण पाहतोय विकेट टू विकेट, लाइन टू लाइन, गुडलेन टू गुडलेन वरती इथे मात्र सलग 3 चेंडू गुडलेन वरती टाकलेत। ऑफस्टिकच्या थोडेसे बाहेर इथे गोलंदाजी झाली आहे। जाहीदला इथे मात्र धावांपासून इथे वंचित ठेवण्याचं काम इथे जरूर गोलंदाज ताबीश कडून झालंय। पॉवर प्लेचे षटक आहे, अजून 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे। ताबीशचा पुढील चेंडू, या वेळेला मात्र ह्या चेंडूला हुक केलाय, चेंडू गेलाय फाइन लेग सीमा रेषा बाहेर, लाजवाब जाहीदच्या बॅट मधून। यानंतर होणारा सामना वावे 11 विरुद्ध वजीरभाई मित्र मंडळ, तर विनंती करतोय वावे 11 संघाचा कर्णधार, चला आपण लगेच टॉस साठी यायचं आहे। वावे 11 संघाचा कर्णधार, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण लगेच टॉस साठी यायचं आहे। पहिल्या षटकाचा आपण खेळ पाहतोय, 21 धावा धावफलकावरती लागल्यात, एका चेंडूचा या षटकातील खेळ येणं बाकी आहे। जाहीदचा शो आपण पाहतोय मैदानावरती, यावेळचा चेंडू जीव्हीएसटीच्या खूपच बाहेर टाकलेला हा चेंडू, यस इट इज, पंचांकडून इशारा आलाय, व्हाईट बॉल, आयसीसी नियम क्रमांक 22 नुसार येथे पंचांनी ह्या चेंडूला व्हाईटचा इशारा कळवलाय। धावसंख्या सुद्धा धावफलकावरती लागली आहे, ती म्हणजे 22 धावा धावफलकावरती लागतायत। चांगली गोलंदाजी येथे पाहायला मिळाली होती, परंतु अखेर जाहीदच्या बॅट मधून एक षटकार आला। पुन्हा एकदा लॉफ्टेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची हलकीच एज लागली आहे, विकेट कीपरने येथे सेल पकडलाय, फलंदाज क्रमांक पहिला जाहीद येथे मात्र 18 धावा काढून 3 षटकार मारून येथे मात्र तंबूच्या दिशेने परततोय। वजीरभाई मित्र मंडळ संघाचे कर्णधार आणि त्याचप्रमाणे वावे 11 संघाचे कर्णधार सनाउल्ला, तर आपण इथे सन्माननीय बाबूभाई पठाण आणि त्याचप्रमाणे अजीमभाई यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस करणार आहोत। दुसऱ्या फेरीचा हा पहिला सामना असेल, पहिल्या फेरीचे सामने दोन्हीही संघांनी जिंकलेले आहेत। सनाउल्ला यांनी कॉल केलेला आहे आणि आपण पाहतोय वजीरभाई मित्र मंडळ या संघाचे कर्णधार यांनी हा नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे। सबसे पहले आपका फैसला क्या होगा? हम लोग फील्डिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले की मैच भी हम लोग फील्डिंग करके चेस किए हैं अच्छी तरह से, अच्छी गेंदबाजी भी पहले ओवर में थोड़ा खर्चीले उमेर थे, उसके बाद अच्छा कंट्रोल किया फहीम ने, अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है हमारे पास, हम कोशिश करेंगे कि 40 रन के अंदर रोक सके और आसानी से मैच को जीत सके। कुल मिला के इस मैदान पर आपकी पूरी जिंदगी गई होगी, बचपन गया होगा इस मैदान का और उसी के साथ पिच का, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास है,
और आपकी टीम ने पहले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, सारे खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे, और अब आपके सामने जो टीम है वावे 11 टीम के बारे में क्या आपको क्या लगता है, किस तरह की ये टीम है, उनको हराना कितना मुश्किल है कितना आसान है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड के ऊपर हमारा बचपन ही गया है, हमारा ही नहीं हमारे भाइयों का भी बचपन गया है, तो काफ़ी ज़माने से हम लोग इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, ये खेलने के लायक ग्राउंड है। और रहा सवाल वावे का, तो जब मैं खेलता था, अभी भी खेल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जब मैं खेलता था तो वावे की टीम में दो चार अच्छे प्लेयर्स थे जिनको मैं जानता था। अभी जो नई टीम है उनको मैं उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश, किसी भी टीम को कम नहीं समझना चाहिए, क्रिकेट है, हो सकता है दो बल्लेबाज भी चार ओवर के मैच में काफ़ी हो जाते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी मैच जीतने की इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत आपको मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने फिर से एक बार टॉस हारा है, टॉस जीते तो शायद आप फील्डिंग करते, मगर फिर से एक बार बल्लेबाजी करने का आपको मौका मिला है। और वजीर भाई मित्र मंडल के सामने किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे होनी ज़रूरी है और कितना रनों का टारगेट रखना चाहोगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बहुत छोटा ग्राउंड है पीछे के साइड में, तो स्पेशली बहुत छोटा ग्राउंड है, तो जितना यहाँ पे स्कोर बनेगा वो उतना कम है। तो लास्ट टाइम पे मैंने बोला था 50-55 तक हम लोग टारगेट देंगे उनको, सामने वाली टीम को, तो इस बार भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 55-60 तक देंगे हम लोग। हमारे अंपायर के बारे में क्या बोलेंगे, बिलाल ईसानिया, उसी के साथ अमित जी वाडकर, लगातार 3 दिन यहाँ पे अंपायरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज पहले गेम में भी हम लोगों ने देखा, हमारे सामने एक दूसरे गांव का प्लेयर हमारे उसमें खेल रहा था, उन्होंने सही डिसीजन लेके उसको बाहर बिठा दिया, तो सही बात है, अंपायरिंग बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अच्छा करने के इंशाल्लाह। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर से एक बार आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे मेहमान इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दोस्तों इसके बाद होगा मैच वावे 11 बनाम वजीर भाई मित्र मंडल, और टॉस जीता है वजीर भाई मित्र मंडल ने, और टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया है। तो चलते हैं फिर से एक बार हम कॉम्बॉक्स में, सौरभ भूरे हमसे जुड़े हुए हैं। अप्रतिम इधे फटके पाहायला मिळतात फलंदाज मॅचच्या बॅट मधून, इन साइड आउट आउट, जबरदस्त टायमिंग, परफेक्ट टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला। पहिला षटकार या षटकामध्ये लगावला होता तोही एक्स्ट्रा कवर क्षेत्रामध्ये, ह्या वेळेला मात्र डीप कवरच्या डोक्यावरून येथे अप्रतिम फटका षटकार येतोय। धावसंख्या लागली धावफलकावरती 36 रन्स। ओके, पुढील चेंडू राईट अमोर द राउंड विकेट, उलट्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र कम बॅक केलं गोलंदाजाने। शेवटचा चेंडू इथे मात्र डॉट बॉल आलाय, धावसंख्या लागली धावफलकावरती 36 रन्स, जिंकण्यासाठी अजूनही 13 धावांची आवश्यकता, 12 चेंडूंमध्ये आता मात्र 13 धावांची आवश्यकता असणार आहे। पाहूया यावेळेला कम बॅक गोलंदाज कशा पद्धतीने करतायत, एक चांगली लढत मित्रांनो मैदानावरती नक्कीच पाहायला मिळणार का। गोलंदाजाकडे येथे मात्र चांगला स्पेल आता मात्र या षटकामध्ये टाकावा लागणार आहे। 2 किंवा 3 धावांचं जर षटक गोलंदाजाने जर फेकलं तर या सामन्यामध्ये रंगत्ता मित्रांनो नक्कीच वाढू शकते। वजीर भाई मित्र मंडळ आयोजित यंदाचं हे चौथं वर्ष, अप्रतिम आयोजन अप्रतिम नियोजन पाहायला मिळते। यावेळचा चेंडू पॉइंटच्या दिशेने, अप्रतिम फटका, क्रिकेटचं सौंदर्य वाढवणारा हा फटका, डीप पॉइंट सीमारेषा बाहेर। बेचाळीस धावा धावफलकावरती लागतायत, अप्रतिम षटकार येतोय। यावेळेला मात्र बॅक टू द बॉलर, सरळ बॅट नाही, ते मात्र फटका खेळला जातोय मिड ऑफच्या दिशेने, लॉंग ऑफ मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करतायत, तोपर्यंत एक सिंगल धाव धावफलकावरती वाढते, धावसंख्या पोहोचली आहे ती म्हणजे 43 रन्स। 43 धावा धावफलकावरती लागल्यात, जिंकण्यासाठी आता मात्र 6 धावांची आवश्यकता। फैजल याच्या बॅट मधून एक अप्रतिम पॉइंटच्या दिशेने षटकार आला होता, यावेळेला फलंदाज स्ट्राइक एंड वरती आहे, तो माझ 2 षटकार लगावलेत। आणखीन एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका येथे फसलाय, डीप मिड विकेट मधून झेल पकडला जातोय,
फलंदाज क्रमांक दूसरा येथे मात्र चांदवे संघाचा बाद। फलंदाज येथे मात्र माज बाद झालाय, दोन षटकार अप्रतिमरित्या येथे कवरच्या डोक्यावरून त्याच्या बॅटमधून प्युअर क्रिकेटिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाले होते, तोच माज येथे मात्र बाद झालाय। माज बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज सुहेब न्यू बॅटर मैदानावरती। सुहेब सुद्धा आल्या आल्या षटकाराने येथे मात्र त्याने मॅच फिनिश केले। अप्रतिम फटका स्ट्रेट डाऊन द विकेट आणि हा सामना जिंकलाय चांदवे संघाने। कम ऑन डीजे मास्टर। तर पहिल्या फेरीचा हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला, झेड इलेवन वहूर विरुद्ध पुणे या सामन्यामध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करत हा सामना जिंकलाय। तर या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय